हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेल्डिंग की मुख्य परिभाषा आपको समझाऊंगा, जिसे आप वीडियो को पूरा देखकर समझ सकते हो आसानी से कि वेल्डिंग की परिभाषा एक्चुअल में होती क्या है। वेल्डिंग शब्द से मालूम चलता है कि दो दांतों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ते समय आपको क्या सावधानी और क्या टाइटल आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि धातुओं को जोड़ने के लिए दो समान या असमान धातुएं, जिनको वेल्डिंग के द्वारा आसानी से जोड़ा जाता है, यह आप सभी जानते हैं। इसमें मुख्य बेस मेटल जो होता है, चाहे वो किसी भी धातु का हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे फेरस हो, चाहे कॉपर हो, वेल्डिंग के लिए हमेशा दो समान या समान धातुओं को जोड़ने के लिए आपको एक मोल्टेन पुल बनाने की आवश्यकता होती है। यह मोल्टेन पुल किस प्रकार का होता है, एक्चुअल में पिघलाव वाली धातु कौन सी होती है और मोल्टेन पुल क्या होता है, स्लैग क्या होता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे मोल्टेन पुल ये बता रखा है, स्लैग आपको यहाँ पे ये बता रखा है, और बेस धातु जो जिस धातु पर वेल्डिंग की जाती है, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे फेरस हो, चाहे कॉपर हो, वह बेस मेटल कहलाता है जिस पे वेल्डिंग की जाती है। अब वेल्डिंग करने के लिए आपको तीसरी धातु एक अलग से प्रयोग की जाती है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पाउडर के रूप में एक परत जमी रहती है, जो आपको फ्लक्स, जिसे फ्लक्स बोला जाता है, जिसे आप देखते हो, उसे कवरिंग, पाउडर का एक कवरिंग क्षेत्र बनाया होता है। इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एक लेप किया होता है फ्लक्स का। अब वेल्डिंग होते समय, प्रक्रिया के समय आर्क निकलती है, जो आग के रूप में, चिंगारियों के रूप में होती है, जो चमकीली पुंज के रूप में दिखाई देते हैं। वेल्डिंग करते समय जो वेल्डिंग से उत्पन्न होने वाला धुआं, गैस होती है, वो वेल्डिंग लाइन के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाते हुए फैल जाता है, जो पिघले हुए मेटल की सुरक्षा करता है, धातु को अन्य बाहरी वातावरण की गैसों से, हानिकारक प्रभाव से बचाता है, वेल्डिंग दोषों से बचाता है। तो इस प्रकार वेल्डिंग दो समान या समान धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया है, जिसमें एक मोल्टेन पुल बनाते हुए आपको वेल्डिंग लाइन प्रारंभ करनी पड़ती है। जैसे यहाँ से आप देखो वेल्डिंग लाइन शुरू की है, और वेल्डिंग करते हुए धीरे धीरे एक समान गति से चलना पड़ता है इस प्रकार से। तो हम पीछे की ओर देखते हैं कि धातु की सतह पर एक मोल्टेन पुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह मोल्टेन पुल वेल्डिंग लाइन का निर्माण होता है, और उस मोल्टेन पुल वेल्डिंग बीड होती है, जिसके ऊपर एक ब्लैक कलर की एक पपड़ी सी दिखाई देती है, जिसे स्लेग कहा जाता है, जिसको चिपिंग हैमर की सहायता से या किसी भी नुकीले धारदार औजार से चोट देकर हटाया जा सकता है स्लेग को। यह स्लेग वेल्डिंग बीड की सुरक्षा करता है। अब यह सारी प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, ताप और दाब पर, क्योंकि अगर ताप नहीं होगा तो धातु पिघलेगी नहीं, इसलिए ताप होना बहुत जरूरी है। और दाब का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अन्य रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंगों में दाब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें धातु को पिघलने की अवस्था से पूर्व अवस्था, जो लाल गर्म दिखाई देती है, उस समय दबाव देकर जोड़ बना दिया जाता है। तो समझने में यह है सबसे बड़ी बात कि वेल्डिंग ताप और दाब के ऊपर आधार पर निर्भर करती है, जिसमें ताप के कारण धातु पिघलती है और पिघले हुए भाग को जोड़ बनाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोड की सहायता से या फिलर रॉड की सहायता से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या फिलर रॉड को पिघलाकर वेल्डिंग लाइन का निर्माण किया जाता है। अब आप देखते हो कि यहाँ पर
वेल्डिंग की शुरुआत की गई है, लेकिन शुरुआत में हम जानते हैं कि वेल्डिंग करना बहुत कठिन होता है, तो वेल्डिंग की शुरुआत में इन्होंने ताप को नियंत्रित नहीं रखा है, बॉडी पर कंट्रोल नहीं रखा, हाथ पर कंट्रोल नहीं रखा, जिसके कारण इलेक्ट्रोड का फ्यूजन पिघलाव सही ढंग से नहीं हुआ है, जिसके कारण कहीं पे मोटाई में वेल्डिंग आई है तो कहीं पे गड्ढे से बन गए हैं, और कहीं पे बिल्कुल बारीक, और कहीं पे वेल्डिंग दोष उत्पन्न हो गए सारे, जिसके कारण ये एक संपूर्ण प्रक्रिया वेल्डिंग की नहीं है। तो वेल्डिंग के लिए सबसे पहले हमें यही जानना जरूरी है कि वेल्डिंग ताप और दाब देखकर जोड़ने की एक प्रक्रिया है, जिसमें दो समान या समान धातु है तो जोड़ी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है फिलर रोड या इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ बनाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रोड या फिलर रोड की सहायता से जोड़ बनाते समय इनका तापक्रम करंट सेटिंग की जाती है, और प्लेट की मोटाई पर निर्भर करता है ये सारा करंट। तो ये सारी बातें को ध्यान में रखते हुए वेल्डिंग की प्रक्रिया, तो हम ये देखेंगे कि वेल्डिंग लाइन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो वेल्डिंग की परिभाषा भी वेल्डिंग लाइन के निर्माण पर ही निर्भर करती है। इस जगह पे आप देखो कि वेल्डिंग की शुरुआत यहाँ से हुई, वेल्डिंग की शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद में एक समान गति से चलते हुए इलेक्ट्रोड को सही एंगल 75 डिग्री के एंगल पर रखते हुए हाथ को गति को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते चला जाता है, जिससे कि वेल्डिंग लाइन एक समान रूप से चौड़ाई ऊंचाई के रूप में निखर कर सामने आती है, जो वेल्डिंग कहलाती है।